हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सेवई की रेसिपी बताऊंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगती है। तो आइए आज मैं सेवई की रेसिपी आपको बताती हूँ। ये 1.5 लीटर दूध है, कुछ ड्राई फ्रूट है, ये चीनी है, सेवई है, और ये कस्टर्ड पाउडर है, और ये घी है। आप चाहे तो बटर भी ले सकती हैं। आइए अब हम पैन को गरम करते हैं। अब हम इसमें दूध डाल देंगे और कुछ बचा लीजिए। दूध हमारा गरम हो रहा है, अब दूसरा पैन को गरम करिए। ये जो सेवई है, ये 300 ग्राम सेवई है, बारीक वाली, जो सीर खुरमा में यूज़ होता है, इसे अच्छे से चूर कर लीजिए। अब थोड़ा सा घी डालिए। अब सेवई को इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से भूनिए। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा घी और डाल दीजिए। तकरीबन 3-4 चम्मच इसमें घी पड़ेगा। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी जो मैंने पीस लिया था। और इसे चारों तरफ से मिला दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दे दीजिए। और देना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना कड़क कोई बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं। आप चाहे तो मत दीजिए, लेकिन मैं डालूँगी इसमें हल्का सा छींटा और इसे कवर कर दीजिए। ये हल्का छींटा मैंने इसलिए देने बोला था कि ये भाप से थोड़ा नरम हो जाएगा। देखिए, ये ना नरम होना है और ना ही ज़्यादा कड़ा होना है सवाई को। देखिए, ये हो चुका है। अब इसको एक साइड में रख दीजिए। अब हम रबड़ी की तरफ चलते हैं। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब ये थोड़ी सी पिसी हुई चीनी थी और मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है 2 चम्मच। अब बची हुई जो ठंडा दूध है उसको डाल दीजिए और अच्छे तरह से इसे घोल लीजिए। देखिए, ये घुल चुका है। दूध हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। अब इसे लगातार चलाते रहिए। थोड़ा सा चीनी मैंने और डाल दिया है, अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मीठा रखिए। इसे लगातार चलाते रहिए ताकि दूध हमारे तले पर ना लगे। और देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। ये चारों तरफ से चला लीजिए ताकि ये किनारा हमारा जले नहीं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी और इसे मिला दीजिए। देखिए, ये गाढ़ा हो चुका है। ये रबड़ी देखिए हमारा पूरे तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए समय हमारा इधर। मैं इसमें अब दूध डाल दूंगी, पाउडर दूध, और हल्का सा इसको थोड़ा गरम कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब एक बर्तन ले लीजिए जिसमें आप जमाएंगी और उसमें थोड़ा सा घी लगा दीजिए ताकि ये आसानी से उठ सके हमारा काटने के बाद। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा सेवई डाल दिया है। ये थोड़ा सा डालना है नीचे में, इसका लेयर लगेगा। और एक गिलास की मदद से इसे दाबते जाइए, सेट हो जाएगा ये आपका। अब कस्टर्ड डालिए। इसे चारों तरफ से अच्छे से सेवई को कवर कर दीजिए। फिर ऊपर से पिस्ता बादाम
जो भी आप ड्राई फ्रूट पसंद करती हैं वो डाल दीजिए। फिर सेवई डालिए। फिर कस्टर्ड डालिए। देखिए ये अच्छा सा कवर हो गया है। अब मैं ऊपर से इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। अब हम इसे 2-2.5 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। ये 2 घंटा हो चुका है। देखिए अब मैं इसे कट कर लूँगी और इसे पीस पीस बना लूँगी। आप अगर स्क्वायर वाले बर्तन में इसे जमाएंगे तो और इजी होगा आपको निकालने में। बकरीद आने वाली है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को बजाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।